ये अच्छा खाना देते हैं ना 10 रुपए में, बहुत अच्छा खाना है। इसी तरह चलती रहेगी, ये सुचारू चलेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चलती आई है। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना देते हैं। ऐसे ही चलता ना, ऐसे चलता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AMI न्यूज और मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। आज हम आपको एक अलग पहलू एक सोसाइटी का दिखाने के लिए आ रहे हैं। देखा जाए तो आज के अगर बात करें तो आज के युग में इंसान को 2 वक्त की रोटी कमाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो उसकी महंगाई की जो चरम सीमा है वो काफ़ी हद तक पहुँच गई है। और आज अगर हम देखें तो एक ऐसा पहलू भी है समाज का, जहां पर एक संस्था पठानकोट विकास मंच नाम की संस्था, जो कि पिछले 22 से 23 साल लगभग से चलाई जा रही है, और केवल आप हैरान हो जाएंगे उनकी राशि जानकर कि वो कितने पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं। सिर्फ 10 रुपये में वो पूरी एक प्रॉपर हेल्दी फूड देते हैं, हेल्दी खाना देते हैं, ताकि लोग जो हैं वो पेट भर कर खाना खा सकें। और आपको बता दें कि गौरतलब है कि ये पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये 3 स्टेट्स के जो लोग हैं सिविल अस्पताल में आते हैं और वहाँ पर यहाँ पर खाना जो है आनंद के साथ खा कर जाते हैं। और ये कदम भी जो है पठानकोट विकास मंच का सराहनीय है, और ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम आप तक समाज की जो अच्छाइयाँ हैं वो आप तक पहुँचाते रहें, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और आपको हम पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये पठानकोट विकास मंच संस्था है, जो कि सिविल अस्पताल में पिछले 22 से 23 सालों से चलती आ रही है, और सिर्फ 10 रुपये में भरपेट खाना आप यहाँ से खा सकते हैं। हालांकि अगर आप बाहर से खाएंगे तो आपको भी शायद पता होगा कि काफ़ी पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं होटल्स वाले, ढाबे वाले, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी संस्था जो एक आपको वो भी फील नहीं होगा कि शायद वो आप पर एहसान कर रहे हैं, सिर्फ 10 रुपये में, और 10 रुपये में पेट भर के खाना आप खा सकते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं, जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, वो यहाँ पर भोजन जो है वो खा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। पहले आपका नाम? कृष्णा। मैम, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? यहाँ पर आपको 10 रुपए की थाली दी जाती है, भर पेट आप खाना खाते हैं, कैसी आप संस्था की करना चाहते हैं? क्या नहीं ठीक है, वैसे कितनी दिन उन्होंने प्रोग्राम शैल कर दे भाई, कोई ओड़िया है ना, चलती रहनी चाहिए। हाँ, चलती रहनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये अच्छा खाना देते हैं ना 10 रुपए में, बहुत अच्छा खाना है। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब एक भोजन के नाम पर बस यही है कि जल्दी जल्दी कर दो, बस खत्म कर दो? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक हेल्दी फूड मिलेगा, जितनी बारी मर्जी लो 10 रुपए में मिलेगा, और अच्छा खाना, फ्रेश खाना मिलेगा। पर आप पर 10 रुपए का बोझ तो नहीं लगता आपको? नहीं लगता बोझ मैम, नहीं लगता, अच्छा है। जे 10 रुपए में कहीं नहीं मिलता है हमारे इधर पठानकोट में, जे हॉस्पिटल में, जे अच्छी। हम एक रियलिटी चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जो प्लेट में भोजन पड़ा हुआ है किस तरीके से है, फूड जो है बिल्कुल आपको एक हाइजीनिक तरीके से दिया जाता है, फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और इस सराहनीय कदम जिन्होंने उठाया है उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? हाँ जी, राजेंद्र शर्मा जी। ये आप चला रहे हैं संस्था? हाँ जी, हाँ जी, ये आप मेंबर हैं संस्था? मेंबर हैं जी। राजेंद्र जी, बताएं, पिछले 22 से 23 सालों से ये चलती आ रही है संस्था, लोग भी कह रहे हैं, लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी अच्छी है, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम जो है वो उठाया जा रहा है और उनको बहुत बेनिफिट है, आगे भी इसी तरह चलती रहेगी? इसी तरह चलती रहेगी, ये सुचारू चलेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चलती आई है, और लोगों के लिए है। हमने सुना था, मैंने आपकी पहले भी स्टोरी कवर की थी, जिसमें कोरोना काल के दौरान सभी दरवाजे बंद थे, आपकी संस्था थी जो लोगों के घर घर तक, जब उस वक्त लोग डर रहे थे कोरोना काल में कि हम किसी को टच ना करें, किसी को अंदर आने ना दें, किसी से बात ना करें, उस टाइम एक मात्र ऐसी संस्था थी जो लोगों के घर में डोर टू डोर जाकर खाना प्रोवाइड करवा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमने बिल्कुल सुचारू रखा था कोरोना काल में भी, और अब भी किसी भी तरह की स्थितियां हो तो ये सेवाएं बंद थोड़ी करनी होती हैं, ऐसे समय में तो बहुत ज़रूरत थी
जब जाना भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही था, इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने ये सारा काम निरंतर करते रहे। ऐसा क्या आपने सिर्फ एक केवल 10 रुपये रेट रखा हुआ एक थाली का, तो ऐसा क्या इतने कम पैसों में क्यों बढ़ाए क्यों नहीं? क्योंकि हम भी काफ़ी देर से देख रहे हैं, 2 साल पहले हमने स्टोरी कवर की थी तब भी यही रेट था। हम नहीं कहते कि आप बढ़ाओ, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या आपका? देखिए उद्देश्य तो ये कि यही है कि कम से कम में ही सबको प्रोवाइड किया जाए, और कोई हम अकेले तो कर नहीं रहे हैं, अपने ही लोगों को अपने ही लोग खिलाएं तो इसमें कौन सी कोई ऐसी बड़ी बात है। पहले भी ऐसा होता था, पुराने समय में कोई एक गली में बहुत अमीर होता था तो बाकियों के लिए मददगार होता था, तो यही कारण है कि हम खुद तो अकेले कर नहीं रहे हैं, अकेले कर रहे हो तो फिर तो 20 करो 30 करो, जब सब लोग एक दूसरे की मदद भाई बहन समझ कर कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए ये संस्था के मेंबर थे, हम एक बार आपकी किचन चेक करना चाहते हैं, रियलिटी चेक, कि हम पहले ये देखेंगे कि खाना जो है वो कहाँ पर तैयार होता है, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं, हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि खाना जो है वो किस तरीके से तैयार होता है, ताकि हम दर्शकों को जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बता सके कि ये कैसे हाइजीनिक तरीके से तैयार होता है या नहीं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से साफ सुथरे ढंग से तैयार किया जा रहा है, और एकदम किचन जो है वो प्रॉपर साफ सुथरी है, और यहाँ भी हम देखेंगे पूरी किचन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये पूरी किचन है और यहाँ पर खाना जो है वो तैयार होता है और आगे जो है वो लोगों को सर्व किया जाता है, और इसकी टाइमिंग भी, टाइमिंग इसके क्या है? सुबह 9 बजे खुल जाता है। हाँ जी, प्रिपरेशन के लिए ये आदमी आ जाते हैं और ये सारा दिन यहाँ पे खाना तैयार करते हैं। 12 बजे तक तैयार, 12 बजे तक तैयार हो जाता है, 12:30 बजे खाना चालू हो जाता है, 3 बजे तक खाना चलता रहता है। हमने आपको अंदर की तस्वीरें जो है वो दिखाई है, और काबिले गौर है कि किचन इतनी साफ सुथरी है और इतने सारे लोगों का खाना बनाना बेहद मुश्किल है, लेकिन किचन को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। और लोगों से और भी बात करेंगे। आपका नाम? मैम निशा। आप यहाँ पर क्यों आई हैं सिविल हॉस्पिटल में? कोई टेस्ट करवाने के लिए। आज आप यहाँ पर सस्ती रसोई में खाना खा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको इतने कम पैसों में? वो भी मैम सराहनीय कदम है संस्था का। नहीं, चलिए किसी और से बात करते हैं। आप बताएं मैम, खाना खा रहे हैं आप सस्ती रसोई से, कैसा कदम लग रहा है, सराहनीय कदम है, कैसा फील हो रहा है आपको कि इतने कम पैसों में आपको खाना यहाँ पर खाने लोगों को मिल रहा है? बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, चलता रहना चाहिए यूं ही। तो लोग काफ़ी जो हैं तारीफ कर रहे हैं लोगों की। और मैम आप यहाँ सस्ती रसोई आई हैं, और कैसा लगता है, दूर दराज से मरीज़ आते हैं और यहाँ पर खाना जो है वो भोजन खाकर जाते हैं इतने कम पैसों में। हालांकि अगर बात करें तो मरीज़ दूर दराज से आते हैं, होटल्स वगैरह में खाना खाते होंगे, ढाबे में खाते होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं एक टाइम का खाना 200-300 से कम पड़ता होगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसी है जो सेवा के तौर पर एक लोगों के लिए खोली गई है संस्था, और 10 रुपये में दिया जा रहा है खाना। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। ना ना नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना देते हैं ये। हाँ जी, ऐसे चलता है, लोगों की सेवा हो रही है। हाँ जी, किसी तरह की से कोई परेशानी नहीं, जहाँ पे फूड की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। तो ये रियलिटी चेक था AMI न्यूज़ की ओर से, और हम भी ऐसे समाज में ऐसी चीज़ें, हम इसीलिए हमारा उद्देश्य ये होता है आप तक पहुँचाते रहें, ताकि आपको भी इस बारे में पता चलता रहे कि समाज में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। और एक अच्छी पहल जो है विकास मंच संस्था के साथ की गई है, और हालांकि हम इनसे भी बात करेंगे, नरेंद्र काला जो विकास पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन हैं। नरेंद्र काला जी, बहुत स्वागत है आपका। देखा जाए तो हमें पता चला है 22 से 23 साल से ये संस्था रेगुलर चलती आ रही है बिना नागर डाले। वो कैसे फील करते हैं, क्या लगता है आपको, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इतने कम पैसों में लोगों को पेट भर कर खाना आप खिला रहे हैं? सिविल अस्पताल दुखी तो गरीब मरीज आते हैं, असी उन्हों दुख लै नहीं सकते, उन्हों की मदद करके असी उन्हों के दुख नू घटा सकते हैं। साड़ी सारी टीम इस काम च लगी पई है। ये संस्था असी 30 साल पहलों बनाई सी, और 30 साल तो असी सिविल अस्पताल के अंदर ये जी रसोई चला रहे हैं, एक दिन भी नागा नहीं होया।
लॉकडाउन के अंदर भी इस सस्ती रसोई ने बहुत ज़्यादा काम किया। अगर सानू डीसी साहब ने प्रशासन ने कहा भी 2000 बंदे का खाना बनाना, अपन 2000 बंदे का खाना बना के जो प्रवासी मजदूर उन्होंने खिलाते रहे हैं। और इतने आम तौर पर देखा गया भी सिविल हस्पताल के अंदर बहुत रश रहा है, हिमाचल तो लोग आते हैं, जे एंड के तो आते हैं, पंजाब तो आते आते हैं, और जोड़े बहुत मरीज आते हैं उन्होंने खाना ताज़ा खाना शुद्ध खाना मिलता है और बड़े घट रेटा 10 रुपए की पर वेट खाना दें आप। जो को पैसा नहीं है उन्होंने असी फ्री दें। ये कुछ गरीब लोग आते हैं, किसी को दवाई लैके देनी है, किसी का अखा ऑपरेशन करना, कोई ऑपरेशन करना, साड़ी संस्था उस मदद करती है। ये साडा एक सेवियर नाँ से संस्था चल रही है, उसका काम है भी खून उपलब्ध कराना, क्योंकि खून जोड़ा है इंसान के अंदरों आना है। तो इस करके साड़ी एक युवा टीम जी वो काम करती है, डेली रिक्वेस्टा पूरी करती है, वड्डे वड्डे खूनदान के कैंप लगाती है। हुण डेंगू का सीजन चल रहा है, साड़ी संस्था ने बहुत ज़्यादा काम किया और पंजाब सरकार ने उन्होंने इस बार स्टेट अवार्ड भी दिता है। तो ये थे हमारे साथ पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन नरेंद्र काला, जिन्होंने बताया कि दूर दराज से लोग आते हैं। बात करें तो 3 स्टेट्स के लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आते हैं और पिछले 30 सालों से लगभग इनकी संस्था जो है इनके द्वारा चलाई जा रही है। लॉकडाउन की बात करें तो 2 साल लॉकडाउन लगा और उसमें भी इनकी संस्था निरंतर ऐसी ही काम करती रही। और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे, जैसे संस्था ने ये पहल एक कदम आगे बढ़ाया है अच्छाई की ओर, और लोग भी जो हैं इसको सपोर्ट करें और लोग भी जो हैं बढ़ चढ़ कर आगे भविष्य में अच्छे काम करें, ताकि लोगों के सोसाइटी के बीच में आप सभी के कामों की सराहना हो सके। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहें मेरे साथ AMI न्यूज़।